डोली में बैठकर ससुराल पहुंची दुल्हन 24 घंटे बाद दूल्हा की उठी अर्थी। नवविवाहिता दुल्हन के ससुराल आने के महज 24 घंटे बाद दूल्हे की मौत ने क्षेत्रवासियों को झकझोर दिया है। कल तक सभी लोग नई नवेली दुल्हन के घर में आने से खुशियां मना रहे थे। उसी घर में दूल्हा सोनू की आकस्मिक मौत पर घर में मातम पसरा है। आपको बता दें, पूरा मामला जनपद मैनपुरी के करैल थाना क्षेत्र से जुड़ा है, जहां ग्राम नंगला कंस निवासी सोनू यादव की शादी सौज क्षेत्र की कुमारी आरती के साथ 12 मई को धूमधाम के साथ हुई थी। शादी में दुल्हन आरती यादव एवं दूल्हा सोनू यादव काफी खुश थे। दुल्हन आरती के ससुराल आने पर सभी लोग खुशियां मना रहे थे। महिलाएं इकलौते बेटे की शादी की खुशियों से ढोलक की थाप पर मंगल गीत गा रही थीं। तभी खुशियां भरे घर में मौत ने ऐसा झपट्टा मारा कि घर में ही बिजली करंट के चलते नवविवाहिता आरती के पति सोनू यादव की मौत हो गई। आनन फानन में उपचार हेतु सैफई ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने सोनू यादव को मृत घोषित कर दिया। सोनू यादव की मौत की खबर आते ही घर में कोहराम मच गया। इकलौते पुत्र सोनू यादव की मौत से माता पिता एवं बहनों का रो रो कर बुरा हाल है। आरती आरती, ये कैसे क्या घटना हो गई? ये कैसे क्या घटना हो गई? बताओ, कुछ बताओ ना। अच्छा, आप लोगों ने शादी के भावर लिए, साथ साथ रहने की कसमें खाई, फिर ये सब कैसे? आरती, आप लोगों ने शादी की 7 जन्मों तक साथ रहने के लिए वादा किया, फिर ये क्यों? कुछ बोलो आरती। आज आपके घर में परसों शादी थी, आज ये सब मातम पसरा है, क्या मामला हुआ है? बड़ा अजीब खुशी का माहौल था। 11 तारीख को बारात गई थी, 12 को लौट के आई, 13 को बेटा बिजली का कोई काम कर रहा था कमरे के अंदर, अचानक चीख की आवाज आई। जब तक हम लोग पहुंचे तब तक बेहोश हो चुका, हॉस्पिटल लेके गए और डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया था।